भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली नैनीताल भ्रमण के दौरान हनुमानगढ़ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ कैंची धाम मंदिर में महाराज नीम करौली के दर्शनों के लिए आए थे और वहीं उन्होंने अल्मोड़ा मार्ग स्थित काकड़ी घाट मंदिर के भी दर्शन किए। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हेमंत रावत से। हेमंत, जाहिर तौर पर विराट कोहली का अपने परिवार के साथ ये दौरा बेहद निजी है, क्या इस दौरान वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं या नैनीताल के स्थानीय लोग, उनके जो फैंस हैं वहाँ, वो उनके दीदार के लिए यदि वहाँ पहुँचते हैं तो क्या उनसे वो मिल रहे हैं या किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने का उनका कोई कार्यक्रम? फिलहाल जो है विराट कोहली किसी भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पहुंचे थे। वहां से फिर दूसरे दिनों सुबह कैची धाम में पहुंचे थे। कैची धाम में के पहुंचने के बाद नैनीताल के ही गर्म पानी के पास काकड़ी घाट एक जगह है, वहां पर स्वामी विवेकानंद टेम्पल में पहुंचे थे। उसके अलावा विराट कोहली कल जो है हनुमानगढ़ी में पहुंचे थे। वहां पर जो है हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का टेम्पल है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके साथ ही जो वहां पर श्रद्धालु थे उन्होंने विराट कोहली अनुष्का के साथ फोटो भी खिंचाई। लेकिन कुल मिला के जो जहां तक ऐसा कोई कार्यक्रम फिलहाल विराट कोहली का यहाँ पर नहीं आया है और शुभ कार्यक्रम के तहत गुपचुप तरीके से ये विराट कोहली नैनीताल के आसपास के जो क्षेत्र है रिसोर्ट में रह रहे हैं और लोगों को जो फैंस है उनको जानकारी ना के बराबर है। और इसके अलावा फिलहाल एक दो दिन के कार्यक्रम यहाँ पर विराट कोहली का रहने के बाद वो वापस मुंबई को जाएंगे। फिलहाल जो है उनकी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पूरी टीम यहाँ पर अलर्ट की गई है और सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उससे विराट कोहली ने दूरी बनाए रखी है। जी 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 इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।